संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेदांत सार में अध्ययन कर रहे हैं हम। मैंने बताया था क्रम से इसको पहले खत्म करेंगे। आज वेदांत सार में जाने का प्रयास करेंगे अपवाद के बारे में, और जो महावाक्य हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलते हैं सीधे। अपवाद, ये बहुत आता है, याद रखना है आपको। वैसे हम सभी जानते हैं कि अपवाद है क्या। साधारण भाषा में अपवाद का मतलब होता है जो चीज़ चल रही है, जो नियम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नियम से बाहर चली जाती हैं, उनको अपवाद बोला जाता है। भाष्य के अनुसार या साधारण नियम के अनुसार, किसी के अनुसार, जब हम संधियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी कुछ संधियों के अपवाद भी मिल जाते हैं। वृद्धि संधि है, उसके भी बाद मिल जाएंगे कि इसमें वृद्धि संधि है तो इसमें गुण संधि होगी, या गुण संधि है तो वृद्धि संधि होगी, या कोई और संधि होगी। इस तरह के जो अपवाद हैं, अपवाद का तात्पर्य होता है सीधे नियम को न मानकर अन्य नियम से, अन्य किसी विधि के द्वारा वो दूसरी चीज बन जाना। ऐसे अपवाद यहां पर कुछ इसका अर्थ अलग है। अपवाद का यहां तात्पर्य है, हमने अब तक जो कुछ अध्ययन किया, क्योंकि ब्रह्म के जो वस्तु मानी गई है, ब्रह्म मानी गई है, और इसको छोड़ करके अज्ञान आदि सकल जड़ समूह जो कुछ है वो सब अवस्तु के अंतर्गत माना गया है। तो अज्ञान आदि की दो शक्तियां हो जाती हैं, एक समष्टि अज्ञान को दो भागों में बांट देते हैं, एक तो समष्टि के रूप में, एक व्यष्टि के रूप में। फिर समष्टि के रूप में चैतन्य जो होता है वो ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, या हिरण्यगर्भ के रूप में जाना जाता है, ईश्वर के रूप में जाना जाता है, विराट के रूप में जाना जाता है, और इधर व्यष्टि के रूप में अज्ञान आदि से उपहित चेतन किसके रूप में जाना जाता है, तेजस के रूप में, प्राग के रूप में, विश्व के रूप में जाना जाता है। ये सारी बातें जानने के बाद हम अपवाद को जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यदि वो समझ में आ गया तो ये भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो इसमें बोला गया है अपवादो नाम, ठीक है, कि अपवाद किसका नाम है। बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक बार अगर समझ लिया तो आपको ये भी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। रज्जु मात्र रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्व वाद। एक पंक्ति में सीधा बोला गया है, छोटा तो नहीं है, सही। चलो अगली लाइन से बड़ा कर दूंगा। रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु रज्जु मात्र बड़े निकल जाती है रज्जु मात्रत्ववत, अर्थात जो हमने जाना था कि रज्जु जो होती है, सर्प रस्सी जो होती है, उसका ही विवर्त होकर के, अर्थात उसमें भ्रांति होकर के वो सांप के रूप में बदल जाती है। तो वो तो था ये पूरा संसार सर्प के रूप में नजर आना। अब इसमें अपवाद में क्या हो जाएगा, रज्जु का जो विवर्त होकर के सर्प हुआ था, उस सर्प का रज्जु मात्रत्ववत, अर्थात रज्जु मात्र ही रह जाए, अर्थात उसका ज्ञान हो जाए कि ये तो रज्जु है, अर्थात रस्सी है, इसी का नाम अपवाद है। इसी की तरह वस्तु विवर्तस्य अवस्तुना या वस्तुनो अज्ञानादे प्रपंच वस्तु मात्रत्व। वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञान आदेह प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्व। ऊपर की पंक्ति को व्यवहारिक ज्ञान से लिया गया है
यहाँ पर एक बात और चर्चा करता चलूं, मैंने एक बार कई बार बताई है इस बात को कि जो कुछ भी समझाया जाता है, व्याकरण में भी समझाया गया है, पसपसानिक हम पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, या दर्शनों में जो कुछ भी समझाया गया है, या कहीं और वेदों से भी जो व्याख्याएं की गई हैं, उपनिषदों में जो व्याख्याएं की गई हैं, वो लौकिक व्यवहार को लेकर के उसका उदाहरण देकर के समझाया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इतनी सारी कहानियों का आविष्कार करना पड़ा या कहानियों को बनाना पड़ा। क्यों? कहानियां मिथ्या हो सकती हैं, लेकिन कहानी के द्वारा जो बात समझानी है वो मुख्य है। ऐसे ही हो सकता है ये नहीं हुआ हो किसी के साथ, मैं तो ये मान के चलता हूं हुआ ही नहीं है, किसी ने रस्सी को सांप में देखा ही नहीं कि किसी के साथ रस्सी सांप में बदली हो, भ्रांति के कारण या किसी के कारण भी, ये मान के चलिए। लेकिन यहां पर इसको मानना है या इसको समझाने के लिए, किसको? इसको समझाने के लिए, वस्तु को समझाने के लिए, रस्सी का सांप में बदल जाना और फिर उसका रस्सी का ज्ञान हो जाना, सांप का हट जाना, इसी तरह से इसको समझाने के लिए प्रयोग किया गया है कि वस्तु विवर्तस्य वस्तुनु अवस्तुनु, यानी वस्तु का जो मिथ्या ज्ञान होता है या विवर्त ज्ञान मान लीजिए भ्रांति के कारण, अवस्तु अज्ञान दे अज्ञान आदि प्रपंच, अवस्तु के अज्ञान के प्रपंच के कारण या अज्ञान आदि जो शक्तियां हैं उनके प्रपंच के कारण सब कुछ ये ऐसा लगता है कि ये संसार ही सब कुछ है, लेकिन सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है इसमें केवल चैतन्य के बारे में। लेकिन जैसे ही हमें उस अज्ञान आदि का ज्ञान हो जाता है तो वस्तु मात्रत्वम, तो केवल वो वस्तु ही बचती है। वस्तु शब्द क्या है? हमने जाना था कि वस्तु और अवस्तु दो चीजें थी। वस्तु ब्रह्म को सीधे सीधे बोला गया था, ब्रह्म से हट करके जो कुछ भी है, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह जो कुछ भी है, जड़ चेतन, वो सब अवस्तु के अंतर्गत आता है। तो जब हमें अवस्तु का ज्ञान हो जाता है या अज्ञान आदि का ज्ञान हो जाता है तो जो कुछ शेष बचता है वो वस्तु मात्र ही बचता है। जिस प्रकार यहां जो रज्जु बची थी, रज्जु का ज्ञान हुआ था भ्रांति के कारण, वो सर्प बन गया था, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ या जैसे ही कुछ और हुआ, आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमारा पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे। मैंने इसको वेदांत सार में बड़े अच्छे समझाने का प्रयास किया है और कोशिश करूंगा, इसमें लिंक दे दूं आपको, नीचे से जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट करके आप वेदांत सार को थोड़ा सा अध्ययन क्रम से करिए तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अपवाद और कुछ नहीं है, शुरू में जो हुआ था वो रज्जु का सांप बना, उसी ब्रह्म जी रहे थे, लेकिन कुछ प्रकाश के कारण या नजदीक जाने के कारण जैसे ही ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प नहीं ये रज्जु ही है, तो उसी का नाम अपवाद है। उसी प्रकार से जो वस्तु थी अर्थात ब्रह्म था, वो अज्ञान आदि के प्रपंच के कारण ये संसार रूपी जो कुछ दिखाई पड़ता है वो बन गया, तो अब उसका जब ज्ञान हो जाता है विवेक ज्ञान से, या यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ये सारी चीजें आएंगी इसमें, पीछे हम बता चुके हैं इसके बारे में, उसको भी वीडियो देख सकते हैं, उनसे जब ज्ञान हो जाता है तभी तो ज्ञान हो रहा है ये, तो केवल वस्तु मात्र ही बचती है और इसी का नाम अपवाद है, अर्थात उस ब्रह्म का हमें ज्ञान हो जाता है। अभी आपके समझ में शायद विवर्त और विकार ये दो शब्द हैं, इनको थोड़ा सा समझ लें तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। विकार को परिणाम के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, जो विकार है वो परिणाम के नाम से भी जाना जा सकता है। इसमें सतत्व अन्यथा प्रथा, एक है तत्व तो अन्यथा प्रथा, ये है विकार और ये है विकृति, ठीक है। सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार, सतत्व का मतलब है जो तत्व है उसका किसी दूसरे रूप में बदल जाना, अन्यथा रूप में
प्रयोग में आ जाना विकार कहलाता है या परिणाम कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जान लो। जैसे कोई तत्व है, या ये मानिए पदार्थ समझाते हैं, स्वर्ण है, स्वर्ण पिंड के रूप में मौजूद है, लेकिन जैसे ही स्वर्णों से आभूषण बनाया जाएगा, ये सांख्यकारिका में मैंने बड़े से अध्ययन की कराया है, आप सांख्यकारिका का अध्ययन अवश्य कर लें, क्योंकि विकार वहां बहुत रूप से प्रयोग होता है, इसमें इतना अधिक से प्रयोग नहीं हुआ, यहां विवर्त बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, विकृत कर दिया है मैंने ये, ठीक है ना, वो विकृति और विकार एक ही चीज होता है, विकृति कर दिया इसको मैंने, ये विवर्त है। तो विकार जो है वो क्या होता है, कोई चीज वस्तु है, उस वस्तु का दूसरी वस्तु में बदल जाना, लेकिन उस वस्तु को, उस वस्तु का भास होना, अर्थात वो चीज है, जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण से आभूषण बन जाते हैं, तो आभूषण तो है, बदल तो गया वो पिंड, लेकिन आभूषण में भी स्वर्ण दिखाई दे रहा है, अर्थात वो ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है, विकार कहलाएगा, विकृति कहलाएगा, लेकिन विवर्त इसका बिल्कुल अपोजिट ही है, अपोजिट का मतलब विवर्त तो कुछ और ही है, वो कह रहे हैं अतत्व अन्यथा प्रथा विवर्त। विवर्त क्या है, जो तत्व है जो हमको भासित हो रहा है वो दरअसल तत्व है ही नहीं, जिसके बारे में जो चीज हमें भासित हो रही है, जैसे कभी कभी सीप जो होती है उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चांदी की तरह चमकने लगती है, तो हमें कुछ चांदी नजर आती है, लेकिन सीप हमको पता है एक कैल्शियम का ही एक भाग है, या कुछ और मान लीजिए उसको, एक जीव का कुछ घर मान लीजिए, वो चांदी नहीं है, लेकिन चांदी ना होने के बावजूद अतत्व है, वो हमको चांदी भासित हो रही है, ये भ्रांति है, ये भ्रम है, भ्रम के कारण कोई चीज ना होने पर भी दिखाई दे वो विवृत कहलाता है। जैसे रस्सू, जो सर्प दिखाई दिया, सर्प नहीं है, रस्सी है, लेकिन रस्सी को सर्प में बदल जाना यानी अतत्व हो गया वो, तो जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो भासमान है, वो ना हो, ना है फिर भी वो हमें दिखाई पड़ रहा है, भ्रांति के कारण, भ्रम के कारण, किसी और के कारण, वो विवर्त कहलाता है। विकार में, विवर्त में यही अंतर है, विकार में जो वस्तु होती है उसको बदल जाता है, जो वस्तु ही नहीं है उसको क्या बदलेगा। सोना कि जब सोने के हम आभूषण देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सोने से बना हुआ है, लेकिन जैसे ही वो सीप को देखेंगे कि चांदी है, तो जब उसके नजदीक जाएंगे तो वो चांदी नहीं निकल करके वो सीप ही नजर आएगी। सांप के नजदीक जाएंगे, सांप ना होकर के वो रस्सी ही नजर आएगा। इस तरह की बातें विवर्त के अंतर्गत आती हैं, लेकिन विकार के आप नजदीक जाइए, उसको कितना भी देखिए, कुछ भी करिए, आपको जो विकार है वो दिखाई देगा, लेकिन साथ साथ जिस तत्व से बना है वो तत्व भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये सांख्यकारिका इस चीज को मानता है, लेकिन विवर्त जो है यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वेदांतसार, वो इस बात को नहीं माना जाता, विकार यहां पर नहीं माना जाता है, यहां सिर्फ संसार को एक विवर्त के रूप में माना गया है कि जो है ही नहीं, यहां तो सीधा कह दिया है ही नहीं, लेकिन हमको भ्रांति के कारण, भ्रम के कारण, किसी कारण से वो दिखाई पड़ता है। जब वो भ्रांति या भ्रम या ज्ञान अज्ञान हम दूर हो जाता है तो हमको ब्रह्म का दर्शन होता है, अर्थात ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यहीं से शुरू होती हैं चीजें, ऐसा माना गया है। तो ये अपवाद में मात्र दो ही चीज हैं, और इसमें अपवाद में कुछ नहीं है, आप इसके भ्रम में ना पड़े कि बहुत सारी चीजें होंगी अपवाद में, बस यही है और कुछ नहीं है। और यदि आपको न समझ आया हो तो एक बार मुझे कमेंट अवश्य करना कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा महावाक्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, फिर हम अगली वीडियो में महावाक्यों को जानेंगे, उनके अर्थों को जानेंगे। जैसे अहम ब्रह्मास्मि है, तत्त्वमसि है, तत्त्वमसि जो है वो किसी का अनुभव वाक्य है, उपदेश वाक्य। अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव वाक्य है, किसी ने अनुभव किया कि अहम ब्रह्मास्मि, और तत्त्वमसि जब किसी को बतलाया कि मैं ब्रह्म हूं तो तुम भी ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा इसको मिटा लें। आने वाले वीडियो में इनके बारे में जो हम वाक्य देखेंगे, महावाक्य विस्तृत में जानने का प्रयास करेंगे। स्याही सूख जाती है इसके कारण, इसको छुड़ाना पड़ जाता है।
महावाक्य। महावाक्य शब्द का प्रयोग किया गया है इन वाक्यों के लिए, वाक्य तो बहुत सारे हैं। बहुत जल्दी हम साहित्य दर्पण को शुरू करने जा रहे हैं, बहुत सारे विषय हैं और एक एक किताब का अगर गहनतम अध्ययन करा जाए तो बहुत समय लग जाता है और हमारे पास समय की बहुत समस्या है। खैर जो भी है उसमें वाक्य महावाक्य बहुत सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। आप केवल अभी यहाँ चल वेदांत के अनुसार देखते चलें, जो महावाक्यों की व्यवस्था दी गई है वो मुख्य रूप से तो चार हैं, लेकिन कहीं कहीं महावाक्यों को 12 संख्या तक पहुंचा दिया गया है और चार में भी हम केवल दो महावाक्यों के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल तो हम देख लेते हैं चारों। प्रथम है प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में ऐतरेय, ऐतरेय उपनिषद हम जानते हैं ऋग्वेद से संबंधित है, ऐतरेय उपनिषद से ये महावाक्य लिया गया है। आपको याद रखना है क्योंकि जो वेदांत है वो उपनिषदों की ही व्यवस्था है, अर्थात वेदांत उपनिषदों का ही नाम है। हमने शुरू में इसके बारे में बड़े अच्छे से बताया था, आप उसको भी देख सकते हैं कि वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है। तो ये उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, वहां से प्रज्ञानम ब्रह्म एक महावाक्य लिया गया है, वो ऋग्वेद से सीधा संबंध है। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, ये यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, वहां से अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य को लिया गया है। तीसरा है तत्त्वमसि, ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से तत्त्वमसि इस महावाक्य को लिया गया है। एक और है अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद, मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद से मांडुक्य उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म लिया गया। तो इस तरह से चारों वेदों से एक एक महावाक्य को लिया गया है। यहां पर जो व्यवस्था दी है वो अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि की व्याख्या है। थोड़ी सी इसमें चर्चा करता चलूं तो थोड़ा सा और थोड़ा व्याख्या में आ जाएगा, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती हैं, हालांकि आपको आनंद नहीं आता होगा देखने के लिए, तो कोई बात नहीं है, जितना जरूरत हो उतना देखिए, अन्यथा की दृष्टि में छोड़ दीजिए। कोई मुझे ये चैनल चलाना नहीं है कि मेरी इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगे या कम लगे, कोई समस्या नहीं है, जितना आपको अच्छा लगे उसको निकाल दीजिए, जितना आपके मतलब का है उतना पढ़िए। तो ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि एक इसमें छोटी सी कहानी है, उसको बताता चलूं फिर हम इसमें सीधे प्रवेश करेंगे कि अगली वीडियो किस पर आएगी। कोई व्यक्ति या कोई शिष्य मानिए जब किसी गुरु के पास पहुंचा तो सीधे गुरु से एक ही प्रश्न पूछा कि भगवान या गुरुदेव आप कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। तो शिष्य को लगा कि गुरु तो अहंकारी हैं, गुरु का तो अहंकार चरम पर चल रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि तो कोई बोल ही नहीं पाया, फिर ये कैसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने और थोड़ा सा परीक्षा के रूप में, कभी कभी कोई शिष्य ऐसे होते हैं अपने गुरु की परीक्षाएं ले लेते हैं, तो परीक्षा के रूप में उन्होंने फिर प्रश्न किया। प्रश्न करने के मुख्य रूप से दो ही कारण तरीके होते हैं, या दो कारण से प्रश्न पूछा था, एक मैं नहीं जानता, दूसरा मैं जानता हूं लेकिन आपको जानना चाहता हूं आप कितना जानते हैं।
फिर उन्होंने पूछा कि फिर मैं कौन हूं। तब गुरु ने कहा कि तत्त्वमसि, कि तुम भी वही हो। अब यहां पर जो व्यवस्था है मुख्य रूप से तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, यहां पर त्वम और तत् इन दो पदों की विस्तृत से व्याख्या करेंगे, इनके अर्थ देखेंगे, फिर इनकी लगभग दो वीडियो बनेंगे इसको समझने के लिए और आपको विस्तृत में इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे तत् और त्वम इन दो पदों के अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ छोटे छोटे दो इसमें व्यवस्था दी थी मैंने, आपको समझ में आया होगा। इसमें से एक प्रश्न अवश्य रहता है पेपर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।